to learn actual parameters and Fermi parameters. Actual parameters kya hote hain? These are the original values which were handed over to a function. और फॉर्मल पैरामीटर्स जो रिसीव करता है, जैसे इस प्रोग्राम में अगर हम देखें ए की वैल्यू 4 है, तो 4 इस फंक्शन में, स्क्वायर फंक्शन में आपने क्या किया है, पास किया, तो 4 जो है एक्चुअल वैल्यू है, और जब इसको एक्स रिसीव करता है दैट इज फॉर्मल वैल्यू ऑफ, और ये इसको चेंज करके इसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो जो फंक्शन की वैल्यू आप पास करते हैं दैट इज एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो रिसीव होता है यहाँ पे x की वैल्यू 4 रिसीव हो रही है, बट इट इज़ फॉर्मल पैरामीटर्स जो कि विद इन फंक्शन चेंज हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट है आपका फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अगर हम इस फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट ना पास करें, लिख दें void, और ना ही कोई रिटर्न करें, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, void। मेन के आगे भी आप void लिखते हो, void का मतलब होता है null, इसका मतलब मेन कहता है मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो कि मैं कुछ आपको रिटर्न करूँगा, ओ एस से कहता है। अब क्योंकि आपने इसका डिक्लेरेशन कर दिया था तो इसलिए यहाँ भी आप कुछ नहीं पास करोगे, अगर आप कुछ पास करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। सो और ये कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, void, void, सो नो रिटर्न। रिटर्न एक स्टेटमेंट है जैसे जैसे आप इंटीजर रिटर्न करना है तो रिटर्न के आगे आप इंटीजर वैल्यू लिखते हो, printf no argument no pass function, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, और अगर ये no pass है तो यहाँ पे कोई वैल्यू रिसीव नहीं होगी, और आप इसको बाहर कॉल करोगे एस क्यू आर इस तरीके से, तो पहले क्या प्रिंट होगा, नो आर्गुमेंट नो पास, ठीक है, और फिर ए की वैल्यू प्रिंट हुई, और फिर आई एम इन मेन, लास्ट जो प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया मैंने वो मेन की तरह। दिस इज फर्स्ट टाइप, नो आर्गुमेंट एंड नो पास। सेकेंड ये हो सकता है कि आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू जैसे आपने इंटीजर दे रखा है, और यहाँ एक वेरिएबल आप ले लो वाई, और क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो वाई इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें से कोई वैल्यू पास नहीं करनी है, तो स्क्वायर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, चलो नो आर्गुमेंट बट रिटर्न। और रिटर्न हमने क्या लिखा, रिटर्न टी यू आर एन रिटर्न, कोई वैल्यू लिख लो जैसे 6, तो 6 एक इंटीजर है जो रिटर्न करेगा, रिटर्न होगा किसमें, मेन में, ठीक है। तो एसक्यूआर फंक्शन कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी बट रिटर्न कर देगी मेन में, वो भी वाई, और वो 6 है, तो जिसको आप रन किया तो आपने देखा कि वाई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 6, ठीक है। दिस इज सेकेंड टाइप फंक्शन जिसमें आप आर्गुमेंट रिटर्न लेते हो। थर्ड टाइप हमने देख लिया है जिसमें इंटीजर आप पास करते हो और इंटीजर रिसीव करते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप आर्गुमेंट पास करो और उसमें रिटर्न ना हो। तो जैसे इसमें हमने इंटीजर पास किया और हम कहते हैं कि कोई भी रिटर्न ना हो,
इसके लिए जैसे अब फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं, ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन टू इंटीजर पास करेगा, आप इसमें कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन में मैंने मेंशन कर दिया टू इंटीजर पास होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड फंक्शन, पहला इंटीजर 3, दूसरा 4 पास कर दिया, और वो ऐड करके, क्योंकि यहाँ रिसीव भी होना चाहिए वहाँ से पास हुआ है, आई एन टी एक्स कॉमा आई एन टी वाई। देखो यहाँ जो वाई है वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, तो ये वाई और ये वाई सेम नहीं है, तो आप चाहे इसको कुछ और भी लिख दो, जेड लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करा लो, रिटर्न डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट में आप एक्स प्लस वाई मेंशन कर सकते हैं। आप इसमें लिखते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई नहीं, यहाँ जेड है, फॉर्मल आर्गूमेंट क्या है, जेड। तो जब आप इसको रन करेंगे एरर देखते हैं क्या है, नॉट एन अलाउड, यस, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो है हमने वॉइड लिखा है, इसलिए ये वाई को ये रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ये एज इट इज़ ही कॉल होगा। यहाँ आप इसको रिमूव कीजिए, क्योंकि ऐड के पहले वो वॉइड लिखा है, तो इसकी इट्स मीन वो कुछ भी मेन को रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं दोनों का सम, प्रिंट एफ परसेंट ऑफ डी एक्स प्लस जेड, और रिटर्न स्टेटमेंट भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे वॉइड लिखा हुआ है। तो फंक्शन डिफिनीशन में भी आपका क्या होगा, यहाँ वॉइड, और फंक्शन का नेम क्या है, ऐड। अब ये 3 प्लस 4 ऐड करके क्या कर दिया, 7। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 टाइप ऑफ फंक्शन है कि रिटर्न कुछ ना हो, बट फंक्शन में आप वैल्यू पास करें और वहीं पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें। इवन मेन मेन भी इसी तरीके से है, मेन जब कॉल होता है तो ये अपने जो भी इसको कॉल किया है ओएस, उसको वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। सो दिस आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वाज फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो वैल्यूज, एंड सेकेंड फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू, एंड थर्ड इज फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, एंड लास्ट इज फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। Thank you.